मित्रों, क्या आप जानते हो कि रामायण में कुछ ऐसे काम थे जो केवल हनुमान जी ही कर सकते थे? अगर हनुमान जी ना होते तो हो सकता है कि ये काम कभी हो ही ना पाते। पौराणिक धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम की सहायता के लिए भगवान शिव वानर जाति में हनुमान के रूप में अवतरित हुए। जब जब भगवान श्री राम पर कोई संकट आया, तब तब हनुमान जी ने अपनी बुद्धि व पराक्रम से उन संकटों को दूर किया। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में स्वयं भगवान श्री राम ने अगस्त मुनि से कहा कि हनुमान जी के पराक्रम से ही उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हनुमान जी द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें करना किसी और के वश में नहीं था। दानवों का संहार। युद्ध में हनुमान जी ने अनेक पराक्रमी दानवों का वध किया। इसमें धूम्राक्ष, अंकपन्न, देवांतक, ऋषिराव, निकुंभ आदि प्रमुख थे। हनुमान जी और रावण में भी भयंकर युद्ध हुआ था। रामायण के अनुसार हनुमान जी का थप्पड़ खाकर रावण उसी तरह कांप उठा था जैसे भूकंप आने पर पृथ्वी हिलने लगती है। हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहां उपस्थित सभी वानरों में हर्ष छा गया था। समुद्र लांघना। माता सीता की खोज करते समय जब हनुमान जी, अंगद, जामवंत आदि वीर समुद्र तट पर पहुंचे तो सुयोजन विशाल समुद्र को देखकर उनका उत्साह कम हो गया। तब अंगद ने वहां उपस्थित सभी पराक्रमी वानरों से उनके छलांग लाने की क्षमता के बारे में पूछा। तब किसी वानर ने कहा कि वह 30 सुयोजन की छलांग लगा सकता है, तो किसी ने कहा कि वह 50 सुयोजन की छलांग लगा सकता है। यक्षराज जामवंत ने कहा कि वे 90 सुयोजन तक की छलांग लगा सकते हैं। सभी की बात सुनकर अंगद ने कहा कि मैं 100 सुयोजन तक की छलांग लगाकर समुद्र को पार कर लूंगा, लेकिन मैं लौट पाऊंगा कि नहीं, इसमें संशय है। तब जामवंत ने हनुमान जी को उनके बल व पराक्रम का स्मरण कराया और हनुमान जी ने 100 सुयोजन विशाल समुद्र को एक छलांग में ही पार कर दिया। माता सीता की खोज। समुद्र लांघने के बाद जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो लंका के द्वार पर ही लंकिनी नामक राक्षसी ने उन्हें रोक लिया। हनुमान जी ने उसे परास्त किया और लंका में प्रवेश किया। हनुमान जी ने सीता माता को बहुत खोजा, लेकिन वे कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर भी हनुमान जी के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। माता सीता के ना मिलने पर हनुमान जी ने सोचा कि कहीं रावण ने उनका वध तो नहीं कर दिया। यह सोचकर उन्हें बहुत ही दुख हुआ, लेकिन इसके बाद भी वे लंका के अन्य स्थानों पर माता सीता की खोज करते रहे। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी पहुंचे और माता सीता को देखा तो वे अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार हनुमान जी ने यह अति कठिन कार्य बहुत ही सहजता से कर दिया। लंका का दहन। माता सीता की खोज करने के बाद हनुमान जी ने उन्हें भगवान श्री राम का संदेश सुनाया। इसके बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। ऐसा हनुमान जी ने इसलिए किया क्योंकि वे शत्रु की शक्ति का अंदाजा लगाना चाहते थे। जब रावण के सैनिकों ने हनुमान जी को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने उन सब सैनिकों का वध कर दिया। तब रावण ने अपने पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने उसका भी वध कर दिया। हनुमान जी ने अपना पराक्रम दिखाते हुए लंका में आग लगा दी। पराक्रमी राक्षसों से भरी हुई लंका में जाकर माता सीता की खोज करना व राक्षसों का वध कर लंका को जलाने का साहस हनुमान जी ने बड़े ही सहजता से कर दिया। रावण के भाई विभीषण को अपने पक्ष में करना। रामचरितमानस के अनुसार जब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज कर रहे थे तभी उनकी मुलाकात विभीषण से हुई। राम भक्त हनुमान को देखकर विभीषण बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा कि क्या राक्षस जाति का होने के बाद भी प्रभु श्री राम मुझे अपनी शरण में लेंगे। तब हनुमान जी ने कहा कि भगवान श्री राम अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। जब विभीषण रावण को छोड़कर प्रभु श्री राम की शरण में आए तो सुग्रीव और जामवंत आदि ने कहा कि यह रावण का भाई है, इसीलिए हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उस उपस्थिति में हनुमान जी ने ही विभीषण का समर्थन किया था। अंततः विभीषण के परामर्श पर ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। संजीवनी बूटी का लेकर आना। वाल्मीकि रामायण के अनुसार युद्ध के दौरान रावण के पुत्र इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र चलाकर भगवान श्री राम व लक्ष्मण को बेहोश कर दिया। तब यक्षराज जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि तुम शीघ्र ही हिमालय पर्वत जाओ, तुम्हें वहां ऋषभ और कैलाश शिखर दिखाई देंगे। उन दोनों पर्वतों के बीच एक औषधि का पर्वत है, तुम उसे ले आओ। जामवंत जी के कहने पर हनुमान जी तुरंत ही उस पर्वत को लाने उड़ गए। अपनी बुद्धि और पराक्रम बल से हनुमान जी उस औषधि के पर्वत को समय रहते ही उठा लाए। उस पर्वत की औषधि की सुगंध से ही प्रभु श्री राम, लक्ष्मण व करोड़ वानर पुनः ही स्वस्थ हो गए।